हे hey दोस्तों, अभी रिसेंटली मेरे एक टीम मेंबर ने मुझे काफी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताई, एक बात बताई जो उसके साथ हुई। उसने बताया कि उसका एक खास दोस्त है जो अभी कनाडा जाने वाला है पढ़ाई करने के लिए, और पढ़ाई करने के लिए सारी चीज़ों के लिए उसका 40 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है। ये चीज़ उसको इसलिए इंटरेस्टिंग नहीं लगी क्योंकि 40 लाख रुपए दे रहा है वो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। इंटरेस्टिंग उसे इसलिए लगा बिकॉज उसका ये जो दोस्त था ना, वो उसे बहुत एवरेज फैमिली का लगता था। उसकी लाइफस्टाइल भी बहुत नॉर्मल सी थी। वो एक टूटी स्क्रीन वाला मोबाइल यूज करता था, कहीं कुछ खरीदने जाता था उसके साथ तो बहुत बार्गेन करता था, महंगे कपड़े नहीं खरीदता था, और 2 साल पुरानी एक स्कूटी यूज करता था। और उसके जो फादर थे वो भी जरा भी अमीर दिख के नहीं आते थे, बहुत नॉर्मल फैमिली से लोग लगते थे। लेकिन जैसे ही उसको ये 40 लाख रुपए वाली बात पता चली तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी आ गई। उसने जाके पूछा कि यार तेरे फादर एग्जैक्टली करते क्या है, कोई गवर्नमेंट जॉब में बड़ी पोस्ट पे है क्या, या कोई हाई पोस्ट पे वो काम करते हैं? तो उस दोस्त ने बताया कि नहीं, उसके जो फादर थे ना वो असल में एक बिल्डर थे। तो उसने बोला अच्छा, बिल्डर थे तो ऑब्वियसली हाँ, बिल्डर लोग तो बहुत पैसे कमाते हैं। लेकिन उसके दोस्त ने बताया नहीं, ऐसा भी नहीं है, जो बिल्डर्स का उसका काम था ना वो तो उसके फादर ने बहुत पहले ही छोड़ दिया है। तो उसने पूछा अच्छा तो फिर पैसे आ कहाँ से रहे हैं, जिसके ऊपर उसने बहुत हेजिटेट करते हुए बताया कि एक्चुअली बात यह है ना कि उसके फादर के 49 फ्लैट्स थे उसके सिटी में, जिसकी वजह से उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता था, हर महीने बस वो रेंट कलेक्ट करते हैं और इससे ही उन्हें बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। ये चीज सुनते ही उसके होश उड़ गए बिकॉज हाँ, मेरे टीम मेंबर को ये तो पता था कि उनके 2-3 फ्लैट्स हैं जिसमें से एक में वो रहते हैं, एक में इसका दोस्त रहता था और एक रेंट पे दिए थे, बट 49 फ्लैट्स होंगे ये उसने कभी नहीं सोचा था, इसलिए वो बहुत शॉक हो गया था। और इसके बाद फिर उसने बातों में बोला अच्छा तो इतने फ्लैट्स है तो भी ऑब्वियसली शायद एक फ्लैट वो बेच रहे होंगे तभी जाके इतने पैसे आएंगे 40 लाख रुपए ताकि तू पढ़ाई कर सके। तो उसने बोला नहीं, कोई फ्लैट वैट नहीं बेच रहा है, मेरे डैडी के पास एक्चुअली में ना इन्फोसिस और ऐसी कुछ कंपनीज के शेयर्स है जो उन्होंने 1999 में खरीदे थे जब वो पैदा हुआ था उसके फ्यूचर के लिए। अब ये सारी चीजों से और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी बिकॉज सच बात तो ये थी ना कि इसके जो फादर थे ना वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं लगते थे और नॉर्मल से ही लगते थे। लेकिन हाँ, एक बात थी जो उसके दोस्त ने उसे बताया कि उसके जो फादर है ना वो बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर है, उनकी जो फाइनेंशियल नॉलेज है ना वो बहुत स्ट्रांग है और वो ऐसी बहुत सारी चीजें उसको भी सिखाते रहते हैं, इसलिए जब वो क्लास 10th में ही था तब से ही वो इन्वेस्टिंग कर रहा था और इसीलिए आज उनके पास इतने सारे पैसे हैं आप बोल सकते हो। अब देखो दोस्तों, मैक्सिमम लोग जब है ना अमीर लोगों को देखते हैं ना तो कई बार उनके दिमाग में आता है कि यार ये लोग है ना बड़ी किस्मत वाले लोग हैं, किस्मत इनकी इतनी अच्छी निकल गई है इसलिए ये लोग इतने पैसे कमा पा रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा डीप में जाके देखोगे ना तो ये जितने भी अमीर लोग बनते हैं वो लोग एक्चुअल में कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं, कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं जिसकी वजह से आप देखना लोग इतने पैसे कमा पाते हैं। ये जो मेरे टीम मेंबर का दोस्त था उनके फादर ने भी इन स्टेप्स को फॉलो किया था। कौन से वो स्टेप्स? वेल, इस स्टेप के बारे में ना जॉर्ज सैमुअल क्लासन अपनी बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में बताते हैं, और इसी बुक के रूल्स कहीं ना कहीं इनके फादर ने भी अप्लाई किए थे जिसकी वजह से वो इतने अमीर बन पाए थे ना। इस बुक में ना ऑथर ने अरकद की स्टोरी बताई है और उसकी स्टोरी से बताया है सारे लेसन को, लेकिन वो मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका है उसकी स्टोरी के थ्रू इस वीडियो में, तो आप आई बटन में जाके वो वीडियो देख सकते हो। सो अभी मैं आपको 7 स्पेसिफिक 1x1 स्टेप्स बताने वाला हूँ, 7 रूल्स बताने वाला हूँ जो आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर आप रिच इंसान बनना चाहते हो तो। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इनमें से ना कुछ रूल्स को ही फॉलो करते हैं इसलिए वो लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। आपके लिए जरूरी है कि आप ट्राई करो कि आप इन सारे रूल्स को फॉलो करो, तभी आपकी जो अमीर बनने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ पाएगी, ठीक है? इसलिए आप इन 7 स्टेप्स को फॉलो करना, स्पेशली स्टेप नंबर 7 जो मैं खुद भी ज्यादा फॉलो करता हूँ। अभी स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 से, जो है स्टार्ट थाई पर्स टू फैटनिंग। एक शायरी जो बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, मैंने टिकटॉक पे बहुत बार देखा था, वो ये थी, कमाया जैसे उसी शान से उड़ाया भी, कभी भी नोट पे हमने रबर नहीं बांधा। ये जो शायरी है वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, थोड़ी इंस्पायरिंग भी लगती है, लेकिन अगर आपको एक एपिक्यूरियन लाइफ जीना है तो एपिक्यूरियन लाइफ क्या होती है? वो योलो वाली लाइफ होती है ना, यू ओनली लिव वंस, आज के दिन ही जितने पैसे हैं मजे कर लो, कल का कल देखेंगे, वो वाला एटीट्यूड अगर आपको जिंदगी बितानी है तो ये वाली शायरी से आपको इंस्पायर होना चाहिए। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो इसका एग्जैक्ट आपको अपोजिट करना पड़ेगा, आपको स्टोइक फिलोसफी को फॉलो करना चाहिए, जहां आपको आज थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो सके, ये स्टोइक फिलोसफी बोलती है। इसी फिलोसफी से आता है पहला लेसन, जो कि है अपने पर्स को मोटा करना, मतलब पैसे को सेव करना स्टार्ट करना। सबसे पहला, सबसे बेसिक स्टेप जो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा अपनी मेंटालिटी, अपने आपको डिसिप्लिन बनाने के लिए, वो है बाय सेविंग मनी। अब देखो, पैसे सेव करना चाहिए तो कहीं ना कहीं सबको पता ही होता है, और लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि सेव करने में बहुत डिसिप्लिन लगता है, और जैसे कि मैंने रिसेंटली एक बुक में बताया था कि इफ इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन इट प्रोबेबली वोंट वर्क। मतलब देखो, आपने भी नोटिस किया होगा कई बार हम लोग के अंदर मोटिवेशन आता है, जोश आता है कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, जिम जाएंगे, बुक पढ़ेंगे, पैसे सेव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन ये जोश जो होता है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए होता है, जिसके बाद वो जोश खत्म हो जाता है और फिर हम लोग वो चीज को वापस से कर नहीं पाते हैं। हम लोग 24/7 हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकते हैं, इसलिए बेटर ये है कि हम सेव करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाएं। अब देखो, सेविंग करने के लिए 2 चीज का होना बहुत जरूरी है। पहली चीज ये क्लैरिटी होना कि आपको सेव कितना करना है, और सेकंड कैसे सेव करना है, ठीक है, जिसमें आपको कम से कम डिसिप्लिन लगे और इन्वेस्टमेंट होते रहे। दोनों चीजें मैं आपको बताता हूँ। एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, सीईओ ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल वेलनेस एरिक सुसमैन कहते हैं कि मैंने अपने करियर में नोटिस करा है कि देखो, ज्यादातर लोग पैसे कमा लेते हैं लेकिन उनके पैसे सारे बिल्स पे करने में, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने में खत्म हो जाते हैं, जबकि उनको फाइनेंशियल अगर बड़ा बनना है
तो उनको 3 स्टेप के प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आपको अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना है कि आपको सर्वाइव करने के लिए मिनिमम कितने पैसे चाहिए। उसके बाद आपको एम ये रखना है ना कि आप अपनी इनकम का 20% सेव करो या फिर स्टार्टिंग में एटलीस्ट 10% सेव करो, जैसा द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक में भी बताया गया है। और फिर लास्ट स्टेप है कि आपने जो अमाउंट डिसाइड किया है 10% या 20% का जो आप सेव करोगे, वो आपको महीने के एंड में नहीं बल्कि महीने के स्टार्टिंग में ही सेव कर देना है। और ऐसा सोचना है कि आपके पास बस इतनी ही इनकम आई थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप 1,00,000 रुपए कमा रहे हो तो 10,000 पहले ही साइड में रख लो, जैसी इनकम आती है वैसे ही 10,000 को साइड कर दो और ऐसा सोचो कि बस आपको 90,000 ही इनकम आई है। और ये ऑटोमेटिकली करने के लिए आप SIP का हेल्प ले सकते हो, चीजों को ऑटोमेशन पर डाल सकते हो। कई सारे ऐप्स हैं जो आपको ये करने में हेल्प करेंगे, जिससे जैसे ही आपके पैसे आएंगे वैसे ही वो अलग अकाउंट में चले जाएंगे या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट में लग जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपको डिसिप्लिन के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला स्टेप तो यही है कि स्टार्ट सेविंग मनी, वो भी इस स्ट्रेटजी के साथ। सेकंड स्टेप आता है कंट्रोल द एक्सपेंडिचर्स। देखो ईयर 1970s में ऐसा लग रहा था कि जो ऑयल है ना वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो हो रही थी, लोगों के पास बहुत पैसा आ रहा था, जिसकी वजह से लोग बहुत गाड़ियां खरीद रहे थे, जिसकी वजह से ऑयल, पेट्रोल, गैस ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज हो रही थी, सभी लोग ऑयल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। बट फॉर्चुनेटली ऑयल खत्म नहीं हुआ। क्यों? वेल ऐसा नहीं था कि हमको और बहुत सारे ऑयल के खजाने मिल गए, हम डबल ट्रिपल ऑयल निकालने लग गए जमीन से, नहीं। बल्कि हुआ ये कि इस ऑयल क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए फैक्ट्रीज ने ऐसी मशीन्स बनाना स्टार्ट कर दी जो एनर्जी एफिशिएंट थी। सभी कार्स और मशीन्स जो ऑयल का यूज करती थी, पेट्रोल का यूज करती थी, उनको उन्होंने एफिशिएंट बनाने पे काम किया, जिसकी वजह से 1975 तक US में ऑयल और गैस का जो प्रोडक्शन था वो 65% तक बढ़ गया और एनर्जी की जो कंजर्वेशन और एफिशिएंसी थी वो डबल से भी ज्यादा हो गई थी। ऐसी दुनिया ने अपनी एनर्जी वेल्थ को बढ़ा लिया बिना एनर्जी को बढ़ाए। ना इसी स्टोरी से समझना ये है ना कि देखो कई बार हमको लगता है कि हमारे पास जो पैसे है ना वो बहुत लिमिटेड है, हम इतने लिमिटेड पैसों में कुछ नहीं कर पाएंगे और सेव करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर हम एफिशिएंट बनने पे फोकस करें, जितना हम खर्च कर सकते हैं उससे थोड़ा सा कम खर्च करें, तो काफी चीजें बेटर हो सकती है। और यही है सेकंड स्टेप जो कहीं ना कहीं लिव बिलो योर मींस के बारे में बताता है कि अगर बेसिकली आप 1,00,000 रुपए कमाते हो तो हाँ आप 1,00,000 की लाइफस्टाइल जी सकते हो, लेकिन वैसा मत करो, आप एटलीस्ट 90,000-80,000 ऐसी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश करो जिसके अंदर बस इतने ही खर्चे होते हैं। फिर थर्ड स्टेप आता है मेक दाय गोल्ड मल्टीप्लाई। देखो रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में इसके बारे में बहुत डिटेल में बताते हैं। वो बोलते हैं कि जब तक है ना आपके पैसे आपके लिए काम नहीं करते तब तक आप पैसे के स्लेव बनकर रह जाओगे, और अगर आप चाहते हो कि आप पैसे के स्लेव ना बनो बल्कि पैसे को अपना स्लेव बनाओ, अपना नौकर बनाओ, तो उसे आपको काम पे लगाना पड़ेगा। और काम पे कैसे लगा सकते हैं? वेल काम पे लगाने के कई सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग की स्टोरी में बताया, जो मेरे टीम मेंबर के फ्रेंड के डैड थे उन्होंने कैसे अपने पैसे काम पे लगाए, उन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया। ऐसी आप भी सोचना स्टार्ट करो कि कहां आप अपने पैसे को लगा सकते हो, ऐसी जगह जिसकी वजह से फिर आपके पैसे डबल ट्रिपल होना स्टार्ट हो जाए, आपके पैसे आपके लिए काम करना स्टार्ट कर दे। ट्रस्ट मी, जितने भी लोग अमीर बनते हैं वो इस स्टेप को फॉलो करते ही करते हैं। इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, ये सब लोगों ने क्या किया? अपने पैसे को मल्टीप्लाई करवाया। कैसे? अपने खुद के बिजनेसेस खड़े करके, अपने खुद के इन्वेस्टिंग करके, जिसकी वजह से उनके पैसे मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो गए। ऐसी थर्ड स्टेप ये है कि आप पैसे सेव करने के बाद सोचो कि आप उन पैसों को कहां इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि आपको उसके लिए बेस्ट से बेस्ट रिटर्न्स मिले। अब कई लोग बोलते हैं कि यार मेरे पास इतने पैसे है ही नहीं कि मैं इन्वेस्ट कर सकूं जिससे बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो उसके लिए वॉरेन बफेट का एक कोट है कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट ऑन योर सेल्फ। ट्रस्ट मी, मेरा भी जो DBC पॉडकास्ट है जो मैं अपने जीशान शेख चैनल पर डालता रहता हूँ, उसमें भी मैंने कई सारे फाइनेंस के क्रिएटर से बात करी है जो फाइनेंशियली बहुत स्मार्ट लोग हैं, उन लोगों से बात की है, उन लोगों से भी यही मैंने क्वेश्चन कई बार पूछा है कि अगर कम पैसे रहेंगे तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। सभी लोग बोलते हैं कि आप ना अपने आपके ऊपर वो पैसे को इन्वेस्ट करो। अगर आपके पास 5-10 हज़ार है तो ऐसा नहीं कि आप स्टॉक मार्केट में डालोगे तो उससे आप करोड़पति बन जाओगे, या फिर 5-6 हज़ार रुपये से ट्रेडिंग करोगे तो करोड़पति बन जाओगे, बहुत प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इंस्टेड ये करो कि आप वो 5-10 हज़ार रुपये ना अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपनी स्किल बढ़ाने पर इन्वेस्ट करो, जिसकी वजह से फिर आप 1 घंटा काम करके भी 1,00,000 रुपये कमा पाओ, देन आपके लिए बहुत इजी होगा अमीर बनना। खैर इसके बारे में और डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी आते हैं फोर्थ स्टेप पे, गार्ड दैट ट्रेजर फ्रॉम लॉस। अब देखो मैंने पिछले स्टेप में बोला कि आपको अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई कराने के लिए, स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में, या फिर अपने आप के ऊपर अगर आपके पास कम पैसे है तो। अभी सुनने के बाद ऐसा नहीं है कि आपके पास जो पैसे है वो आप जहां चाहिए वहां लगा दो, नहीं, आपको इसके लिए बहुत कॉशियस होना पड़ेगा। देखो मार्केट में ऐसा बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो लोग बोलेंगे यार इतना पैसा मुझे दे दो मैं आपको पैसे डबल करके दे दूंगा, 21 दिन में पैसे डबल, या ऐसे बहुत सारी अलग अलग स्कीम लेके आते हैं जो टू गुड टू बी ट्रू लगती है, बट स्टिल लोग लालच के चक्कर में ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं जिसके वजह से उनका लॉस हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे आपको ना थोड़ा बैलेंस रखना है, आपको समझना है कि आप कहां इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या वो बंदा जेन्युइन है कि नहीं, क्या आपको सच में वो रियल स्किल्स सिखाने वाला है, रियल बिजनेस में पैसे लगाने वाला है, या फिर बस कोई स्कैम चल रहा है।
ये सब करने के लिए आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना बहुत जरूरी है। बिकॉज देखो एक चीज याद रखो, ये चीज वॉरेन बफेट भी बोलते हैं ना कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना वो कई बार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अपॉर्चुनिटीज आएंगी जाएंगी लेकिन आपका जो प्रिंसिपल है वो एक बार चले गया तो वो वापस नहीं आएगा। हाँ आपको फिर वापस से कमाना पड़ेगा तब आ सकता है लेकिन वो जो चले गया वो वापस नहीं आएगा। इसलिए याद रखो आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस होकर खेलना है। ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो, ऐसे लोगों पे इन्वेस्ट करो जो सच में ट्रस्टवर्दी है, ना कि बस ऐसे लोगों पे जो आपको ठगने के लिए तैयार है। लेकिन हाँ इसके साथ ये भी समझो ऐसा नहीं है कि कहीं पे आप कम पैसे डाल रहे हो तो इसका मतलब आपको कम रिटर्न्स ही मिलेंगे, नहीं। जिसका बेसिकली मतलब ये है ना कि अगर उनके पास 100 रुपए हैं तो वो 100 रुपए को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करने ज्यादा जाते हैं जहाँ पे 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो उनको 500 रुपए मिल सकते हैं। तो इस रूल को फॉलो करने के जिससे पता है क्या होता है, अगर वो 80 बार भी फेल हो जाते हैं मतलब 80 बार भी उनको लॉस हो जाता है किसी चीज में तो भी सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट उनको उनके पूरे रिटर्न्स वापस करके दे देती है। जैसे कि समझो फॉर एग्जांपल अगर वो 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1,000 के 5 अलग अलग इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो अगर 4 जगह उनके इन्वेस्टमेंट फेल भी हो जाते हैं तो भी उनका जो एक इन्वेस्टमेंट है वही उनको कई बार 5,000 कमा के दे देता है। और अगर कभी वो 3 बार गलत हुए और सिर्फ 2 बार भी सही हुए तो भी उनका प्रॉफिट निकल जाता है। इसलिए आप भी इस चीज़ पे ध्यान दो कि आप भी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो लेकिन हाँ सोच समझ के अच्छे से रिसर्च करके ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ पे आपको जो रिटर्न्स मिल रहे हैं ना इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो काफी ज्यादा डबल ट्रिपल चौबल 5 गुना ज्यादा हो। ऐसी जगह पे क्या होता है कि रिस्क टू रिवॉर्ड जो रेशियो होता है वो काफी आपके फेवर में आ जाता है, असिमेट्रिक होता है जो आपको बेटर रिटर्न्स देने के चांसेस को बढ़ा देता है। नेक्स्ट स्टेप है मेक दैट ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अब देखो घर लेने के ऊपर कई सारे लोगों के बहुत अलग अलग विचार होते हैं। आज के टाइम पे आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको अपना खुद का घर नहीं लेना चाहिए, वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो कि सही बात भी है। ये चीज रॉबर्ट कियोसाकी भी बोलते हैं कि अगर आप एक घर ले रहे हो बहुत महंगा घर ले रहे हो और आप उसको खुद को यूज कर रहे हो तो आपका एसेट नहीं है वो आपकी लायबिलिटी है, बिकॉज वहां पे आपको पैसे और डालने पड़ेंगे, पैसे आएंगे नहीं। बट अगर आप वही चीज को अगर आप इन्वेस्टमेंट बना देते हो, अगर आप घर लेकर रेंट पे डाल देते हो तो वो आपका एक एसेट बन जाता है, वहां पैसे आपके मल्टीप्लाई होंगे, आपको पैसा वापस आएगा। पांचवा रूल यही है कि आपको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है जो आपको काफी प्रॉफिट कमा के दे और घर एक काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपके लिए। छठा स्टेप है एंश्योर अ फ्यूचर इनकम। कई लोग ये गलती करते हैं कि वो लोग सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट होते हैं, वो लोग बस जितना आज कमा रहे हैं उसके ऊपर ही वो लोग जीते हैं, उसके ऊपर ही उनके सारे बिल्स पे होते हैं, सारे उनका फ्यूचर डिपेंड होता है उनके करंट जॉब पे। जबकि जो समझदार लोग होते हैं ना वो लोग देखना आप लोग हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, वो लोग सोचते हैं कि कैसे मैं आज ही इतने पैसे कमा सकता हूँ, इन्वेस्ट कर सकता हूँ या मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि कल मुझे फिर इतने पैसे कमाने की जरूरत ना पड़े। वो लोग आप बोल सकते हो ऑलरेडी प्लान करते हैं रिटायरमेंट के लिए या फिर आने वाले बड़े बड़े खर्चों के लिए। जैसे कि वो स्टोरी में भी बताया गया कि कैसे उनके डैड ने ऑलरेडी शेयर्स लेके रखे थे जो उन्होंने फिर बाद में बेच दिए, जिसकी वजह से उनके ऊपर बड़ा लोड नहीं आया पढ़ाई कराने के लिए। ऐसी आप भी थोड़ा बहुत फ्यूचर प्लानिंग करके रखो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे टोटल मनी मेकओवर बुक में भी ऑथर बताते हैं कि आपके पास हमेशा एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए कि कल को अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक जॉब पे डिपेंडेंट हो, एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट, नहीं, आपका इमरजेंसी फंड ही आपको वहां से निकलने में हेल्प करेगा और सर्वाइव करने में भी हेल्प करेगा। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है इंक्रीज द एबिलिटी टू लर्न, जो 6 स्टेप से ही मैच करता है कि आपके पास जितने ज्यादा सोर्सेस ऑफ इनकम होंगे, जितने ज्यादा आपके पास स्किल्स होंगे, जितना ज्यादा आपके पास टैलेंट होगा उतना आप अलग अलग सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू बना सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मैं अपने पार्टनर के साथ बात कर रहा था जहां वो मुझे बोल रहा था कि देखिए एकदम वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर कल को है ना अपने कोई भी बिजनेसेस नहीं चलते, कुछ नहीं होता है, जो कि मुझे मालूम है नहीं होगा, बट अगर कुछ भी नहीं होता है तो भी आज मेरे पास इतने स्किल्स आ गया है, मैंने हमने इतना साल काम किया है साथ में, मुझे वेबसाइट से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड इतना सारा नॉलेज हो गया, इतने सारे मेरे पास स्किल्स आ गया कि मैं कहीं पर भी जाऊँगा मुझे आराम से जॉब मिल जाएगा और बहुत अच्छा खासा पैकेज के साथ जॉब मिलेगा। और सेम गोज फॉर मी, अगर कल को कुछ भी हो जाता है, मैंने इतने सारे स्किल्स एक्वायर कर लिया है इतने सालों में, 5-6 सालों में कंटेंट क्रिएशन करते करते, कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन से रिलेटेड, कंटेंट स्ट्रेटजी से रिलेटेड, वॉइस ओवर से रिलेटेड, ग्राफिक्स से रिलेटेड, इतनी सारी चीज़ें मैंने पिछले 5-6 सालों में सीख ली है जिसके बेसिस पर मुझे बहुत सारा अच्छा इनकम मिल सकता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में मुझे ले सकती है और अच्छा इनकम दे सकती है। सिमिलरली आप भी क्या करो कि अपनी स्किल्स पर फोकस करो, अपने सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू बढ़ाने पर फोकस करो। और ये सब चीज़ करने के लिए अगर आप चाहते हो कि डायरेक्टली मैं आपकी हेल्प करूँ आपको अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनने में, कंटेंट क्रिएशन से पैसे कैसे कमाने, ये सारी चीज़ें अगर डायरेक्टली मेरे से सीखना चाहते हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाके आप गूगल फॉर्म भरो तब आपको एक टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, DBC का एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। मैंने एक फ्री कोर्स बनाया है कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड जो आपको मिल जाएगा, प्लस वो एक्सक्लूसिव ग्रुप में मैं आपको अपडेट्स भी देता रहूंगा कि कैसे मैं आपको कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड चीज़ें सिखाऊंगा, कैसे हम मिलकर बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर में कर सकते हैं। वो सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट और डिटेल्स चाहिए वो तो वो ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको वो गूगल फॉर्म भरना है, बस और कुछ नहीं करना है, वो भर दो, पक्का आप कंटेंट क्रिएशन में बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि मैंने खुद ने पिछले 6-7 सालों में बहुत सारी चीज़ें की है, बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू बना के मैंने अपनी लाइफ को काइंड ऑफ स्टेबल कर दिया है। सो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ जाइए और ज्वाइन करिए, मैं आगे फ्यूचर के आपके जितने भी अपडेट्स होंगे वो ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ होंगी सच में, वहाँ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती है, तो ग्रुप को ज्वाइन जरूर करना। और अगर आपको ऐसी बुक की समरीज फ्री में लेते रहनी हर संडे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, मैं ऐसी बुक्स की अमेजिंग बातें आपके लिए हर संडे लेके आता रहूँगा।
और थैंक यू सो मच जो आप इस वीडियोस को इतना लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो, सारी चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच। करते रहिए, सपोर्ट दिखाते रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।